नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्तपंत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है 2002 गुजरात दंगे मामले की याचिका, फिलहाल खारिज कर दी है। जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। 2002 के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी ने क्लीन चिट दी और उसी को चुनौती दी गई थी। उसी को चुनौती देने वाली याचिका, जाफरी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। गोधरा दंगों के दौरान तत्कालीन सीएम मोदी के खिलाफ एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी और उसी के खिलाफ एक याचिका दरअसल हाईकोर्ट में लगाई गई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। तो 2002 गुजरात दंगे मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जाकिया जाफरी की जो याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 2002 के तत्कालीन सीएम उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और उसमें क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जो याचिका और एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। मुर्मू के समर्थन में संसद भवन में खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल रहे। तो द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया है, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और आज इस दौरान नामांकन जब हुआ, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। और ये तस्वीर आज उसी वक्त की है जब द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया। तो एनडीए के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू, और आज नामांकन दाखिल किया उन्होंने, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया था और आज जब नामांकन द्रौपदी मुर्मू ने किया उसी वक्त की तस्वीर है। और बुलंदशहर में अग्निपथ योजना के विरोध में ज्ञापन देने किसान नेता मुख्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि काला आम स्थित मलका पार्क से प्रदर्शन करते हुए किसान नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए नारे लगाने लगे। किसान नेता अग्निपथ योजना वापस लेने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम बुलंदशहर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। तो अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए लगातार विरोध हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, बुलंदशहर में भी विरोध हुआ। किसान नेता मुख्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये सरकार से अपील की है कि इस योजना को वापस लिया जाए, ये युवाओं के हित में नहीं है। वरुण शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं बुलंदशहर से। वरुण, अग्निपथ योजना को लेकर विरोध लगातार हो रहा है, किसान जो संगठन थे उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कुछ मांगे इन्होंने रखी? जी बिल्कुल, आज बुलंदशहर में भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन के लोग थे वो आज बुलंदशहर पहले राजा बाबू पार्क पहुंचे। वहां पर इकट्ठा होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है जो अग्निवीर ये जो स्कीम आई है इसको लेकर जो युवा है उनको भविष्य, उनका जो भविष्य है वो ठीक नहीं है, क्योंकि 4 साल तक जो तैयारी करता है आर्मी के लिए जवान जो युवा, और उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी उसका तो पता नहीं है।
जिसको लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है कि उनकी मांगे या तो इनकी नौकरी और ज्यादा समय के लिए बढ़ाई जाए या इस योजना को खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये किसान जो संगठन, उन्होंने प्रदर्शन किया, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की बुलंदशहर। और खबर रायबरेली से, जहां पर पूरे देश में आज किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। शहर के विकास भवन में भारी संख्या में किसान पहुंचे, प्रदर्शन किया, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन करने लगे। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। रायबरेली में भी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग प्रदर्शनकारियों ने की। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा हिंसक जो प्रदर्शन हुए हैं, वो स्थिति आगे अब ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हर सिचुएशन पर अपनी नजर रख रही है। आपको पता है कि देश में अग्निपथ योजना लेके सरकार आई है, संयुक्त किसान मोर्चा ने उस पर संज्ञान लिया है। आज आह्वान किया है कि पूरे देश में किसान और नौजवान साथ साथ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रशासन ने इतनी उत्पीड़क कार्रवाई कल से की है कि यहाँ पर लोगों को इस धरना स्थल पर पहुँचने नहीं मिला, फिर भी हम किसी तरह बच बचा के यहाँ तक आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस देख लीजिए, छावनी बनी, आपको कैमरा घुमा दीजिए, पूरा छावनी विकास भवन बना दिया इन्होंने, सड़कों पे पुलिस लगा दी है, जितने नाके हैं वहाँ पर पुलिस लगी हुई है, किसानों को हाउस अरेस्ट किया, जो लीडर्स हैं वो हाउस अरेस्ट किए गए हैं। राजू हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं रायबरेली से। राजू, अग्निपथ योजना का विरोध रायबरेली में भी अब होने लगा है, हिंसक प्रदर्शन ना हो, किस तरह की पुलिस ने तैयारियां की हैं और जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये कौन है, क्या मांगे इन्होंने रखी है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से आज पूरे देश में किसानों के द्वारा अग्निपथ का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी क्रम में रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो है काफी बड़ी मात्रा में किसान मौजूद रहे और अन्य दल भी कहीं ना कहीं उनका मदद करते रहे, जिसके क्रम में विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसकी तैयारी पुलिस बल जिले के आला अधिकारियों ने कर रखी है। पूरे जिले में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि जुमे की नमाज को भी देखते हुए तैयारियां की गई थी, तो इसलिए जिले में भारी मात्रा में पुलिस बल तैयार देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू उस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको रायबरेली की हम दिखा रहे हैं, जहां पर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है और इस योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, रायबरेली में भी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। पहले बुलंदशहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, अभी रायबरेली, जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध किसान। और कन्नौज में भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे भाकियू नेताओं को पुलिस ने रोका है, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एडीएम ने आनंद फानन में भाकियू जिलाध्यक्ष से ज्ञापन लिया। आक्रोशित जिलाध्यक्ष ने यह कहा कि किसान यूनियन युवाओं के साथ है। जिलाध्यक्ष बोले, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर तय होगी आगे की रणनीति। सूत्रों की माने तो शुक्रवार के मद्देनजर प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना पर सही फैसला लेना चाहिए। कन्नौज में भी विरोध हो रहा है। किसान संगठन भाकियू के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता जो हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उनको किसी तरह से रोका, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है और विरोध किया इन्होंने, अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और बाकायदा ज्ञापन भी सौंपा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन आज अग्निपथ योजना का हो रहा है किसान संगठनों की तरफ से। और खबर अलीगढ़ से, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ऊपरकोट जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ऊपरकोट मस्जिद क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है, संवेदनशील इलाका है पूरा ऊपरकोट का, जामा मस्जिद का इस क्षेत्र। फिलहाल नगर कोतवाली इलाके में ये पूरी जो फोर्स है वो तैनात की गई है, किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पर, अप्रिय घटना ना हो, और इसीलिए एक भरोसा कायम करने के लिए जनता में पुलिस लगातार वहां पर गश्त भी कर रही है। जुमे की नमाज पिछले दिनों जब हुई थी, किस तरह से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आपने देखा होगा, वो स्थिति दोबारा से ना हो, इसीलिए पुलिस पूरी तरह से
पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये तस्वीर अलीगढ़ की, जहां पर पुलिस ने जुमे की नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। जगह जगह आप देख पा रहे होंगे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। कोई भी किसी तरह के उपद्रव करने की अगर कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाए। और मथुरा में सड़क किनारे मौजूद अवैध मजारों दरगाहों के खिलाफ हिंदू वादियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसे अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिला अधिकारी नवनीत चहल को एक ज्ञापन देकर इन्हें हटाने की मांग की है। तो मथुरा में हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोला है, अवैध तरीके से जो मजार हैं, दरगाह है, उनको हटाने को लेकर मांग की। तो अखिल भारत हिंदू महासभा ने इन मजारों को, मस्जिदों हटाने की मांग की है, क्योंकि मथुरा में ये अब तस्वीर सामने आई है जहां पर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को इन सभी लोगों ने दिया है और ये कहा है कि अवैध जो मजार हैं, दरगाह हैं, उनको हटाया जाए। ये मांग अब इनकी तरफ से की गई है, संगठन की तरफ से। तो हिंदूवादी हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया पूरी तरह से, अखिल भारत हिंदू महासभा ही बताया जा रहा है, जिन्होंने ये मजार और मस्जिदों को हटाने की वहां पर मांग की है, जो कि अवैध तरीके से बताए जा रहे हैं वहां पर। इसीलिए ज्ञापन भी जिलाधिकारी को इन सभी ने सौंपा है। तो मथुरा में सड़क के किनारे जितने भी अवैध तरीके से मजार हैं, दरगाह हैं, उनके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोला है। मनोहर हमारे संवाददाता लाइन पर जुड़े। तो मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने इन मजार को हटाने की मांग की है और अवैध तरीके से सड़क के किनारे बने हुए उनको हटाया जाए। मनोहर हमारे संवाददाता मथुरा से फोनलाइन पर जुड़े। मनोहर, आप कौन सा ये संगठन है और क्या इन्होंने मांग की है, कहां कहां पर ये दरगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन पत्र में जो कि अवैध तरीके से जो सड़क किनारे मजारें बनी हुई हैं उनको हटाने की, बिल्डोजर चलाने के लिए जिलाधिकारी से मांग की गई है, अवैध जो मजारे उनको हटाने की मांग की गई है। और जो हिंदूवादी संगठन के लोग, उन्होंने कहा है कि इन मजारों पर जो लोग हैं उनको भी ठगने का कार्य किया जाता है और साथ ही वहां पर जो लोग हैं मदिरा वगैरह का सेवन भी करते हैं खुले में, जिसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय को इन मजारों पर हटाने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा है। जी लेकिन मनोहर, जो हिंदूवादी संगठन आप कह रहे हैं, उनको अचानक से कैसे याद आ गया कि मजार और मस्जिद इनको हटाना चाहिए यहाँ से? इससे पहले क्या उनको इस बात की जानकारी थी नहीं, या फिर अभी से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? ये अगर बात की जाए तो फिलहाल चूंकि जो शाही ईद का मस्जिद का जो मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है और कई हिंदूवादी संगठन है वो लगातार अर्जियां शाही ईद का जो मस्जिद है उसको लेकर के कोर्ट में लगाई गई है। इसी क्रम में तमाम जो कि यात्रा है, जो कि छोटी छोटी मस्जिद है और जो जो अवैध तरीके से जो मजा। चलिए शुक्रिया मनोहर इस तमाम। खबर अमरोहा से, नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विद्यालय में झाड़ू लगाते नौनिहाल का वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षा विभाग ने वीडियो पर संज्ञान नहीं लिया है। सरकार को दरअसल जो प्रधान अध्यापिका है वो पलीता लगा रही हैं, क्योंकि गजरौला के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अमरोहा की तस्वीर है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गजरौला, जहाँ की तस्वीर, बच्चे झाड़ू लगाते हुए आपको परिसर में नजर आ रही। अब सवाल यह कि इन बच्चों के हाथ में झाड़ू किसने दी? बच्चे स्कूल में क्या पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन किस तरह से उनके हाथ में झाड़ू दे दी जाती है, काम उनसे करवाया जा रहा है, ये तस्वीर क्या वहां पर अधिकारियों को नहीं दिख रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों के हाथ में झाड़ू दी, उनको काम करने पर मजबूर किया जा रहा है? तो फिलहाल ये शिक्षा विभाग ने इस वीडियो पर संज्ञान नहीं लिया। फिलहाल मोहम्मद इमरान हमारे संवाददाता फलाइन पर जुड़े हैं। इमरान, ये कहाँ की तस्वीर है और सवाल फिर ये उठता है कि आखिर इन बच्चों के हाथ में झाड़ू देने वाला कौन है ये?
चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है अमरोहा की है, जहां पर किस तरह से यहां एक बच्चा जो कि स्कूल परिसर में झाड़ू लगाता हुआ आपको नजर आ रहा। कानपुर देहात के बरौरा थाना क्षेत्र के बरौरा कस्बे की महिला प्रधान कोमल कश्यप का गांव से ही दोपहर में अपहरण हो गया। आपको बता दें कि दोपहर में हुए अपहरण की घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रधान कोमल कश्यप के पति सुरजीत कश्यप ने अनहोनी की आशंका जाहिर की और अपनी सास के साथ ससुराल पक्ष के सुंदरम शुक्ला पर अपहरण का आरोप लगाया है। साथ ही घर से जेवर और पत्नी के अकाउंट से पैसे निकालने की बात भी कही है। गांव के जनप्रतिनिधि के अपहरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने प्रधान पति की तहरीर पर प्रधान महिला की मां और सुंदरम शुक्ला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बड़ा सवाल है कि दिन दहाड़े महिला प्रधान का अपहरण हो जाता है कानपुर देहात में। महिला प्रधान का अपहरण होने से इलाके में डर हड़कंप मचा हुआ है कि दिन दहाड़े आखिर किस तरह से इस महिला प्रधान का अपहरण कर लिया गया हुई गांव से। पुलिस ने फिलहाल दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो है 15 तारीख को किसी सरकारी काम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बन के लखनऊ जा रहा था। उसी दिन की घटना है कि जब मुझसे लोकेशन मेरी सास ने पूछा और उसी समय जब मैं आया मुझे मालूम नहीं और सास ने अपहरण करवा दिया सुंदरम के साथ। सुंदरम शुक्ला ये जो है उन्हीं के साथ रहता था, मेरी वाइफ के बड़ी बहन के साथ लव मैरिज थी उसकी पहले। अच्छा, क्या क्या करता है वो? कहीं पहले कुछ कानपुर में करता था, पता लगा दिल्ली में कुछ करता है। थाना बराउन क्षेत्र में एक एफ आई आर पंजीकृत की है जिसमें पति ने शिकायत की है कि उसकी मेरी सास और उसका एक संबंधी था जो अक्सर घर आने जाना था उसके साथ मेरी पत्नी चली गई है। अपहरण का मुकदमा दर्ज है, नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। एफ आई आर पंजीकृत होने के बाद अपहर्ता की तलाश की जा रही है। ये जानकारी मिला है कि वो वर्तमान नियुक्त प्रधान है और प्रधान का अपहरण करके ले जाना प्रथम दृष्टया वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चूँकि एफ आई आर पंजीकृत है व्यवस्था में जो भी साक्ष्य मिलेगा उस। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि हमारी बहू मतलब आ जाए और जो है आके वो पकड़ी जाए जो ले गई उसकी माँ सास हाँ हमारे भाई की सास। अच्छा, अगर वो पकड़ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा पूरा मामला, पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा साहब, उससे जो है आगे कहीं कुछ नहीं है भाई उसी। तो दिन दहाड़े महिला प्रधान का अपहरण हो जाता है कानपुर देहात में, दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने जरूर किया है और सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। हालांकि जो प्रधान के जो पति हैं महिला प्रधान के प्रधान पति उन्होंने आरोप भी लगाया है किसी शख्स पर। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की, लेकिन दिन दहाड़े महिला प्रधान का अपहरण होने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। और अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कराया और मौके पर किसान यूनियन के लोग भारी संख्या में जुटकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अग्निपथ योजना के बारे में किसान नेताओं ने अपने विचार भी रखे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। प्रदर्शन जिलाधिकारी महोदय कार्यालय प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन है सिटी मजिस्ट्रेट व अधिकारी एसपी सिटी और सीओ साहब उनके साथ ज्ञापन दिया गया है। जो इस समय देश में ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अग्निपथ वाला, उसके सरकार जो एक नया बिल लेके आई कहती है कि हम युवाओं के भले के लिए लेके आए। जो भी ये बिल लेके आते हैं सब भले के लिए लेके आते हैं, लेकिन उसमें त्रुटियाँ इतनी हैं कि जिसको बढ़ती होना उसको पूछा भी नहीं जा रहा। जैसे किसान के लिए बिल लेके आए थे, किसान हित में लेके आए थे, वही बिल युवाओं के लिए लेके आए। जो इनके साथ खड़ा हुआ उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि रोजगार खत्म करने पर लगे हुए हैं भाई। जो फौज में जो व्यक्ति जाएगा वो अपना योजना जो आया है अग्निवीरों के लिए जो 4 साल में ट्रेनिंग नहीं हो पाती है उसके लिए जो 4 साल बाद करेंगे क्या, उसके लिए हम आए हैं कि ये अग्निपथ योजना वापस की जाए। ये युवाओं के साथ में अन्याय। अग्निपथ योजना कश्मीरों जो आया है अग्निवीरों के लिए जो 4 साल में ट्रेनिंग नहीं हो पाती है उसके लिए जो 4 साल बाद करेंगे क्या, उसके लिए हम आए हैं कि ये अग्निपथ योजना वापस की जाए। ये युवाओं
और पटना के लोग भी अब मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। आपको बता दें कि गंगा किनारे 20 किलोमीटर से अधिक लंबाई में बन रहे पटना का मरीन ड्राइव एक भाग आज से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं अटल पथ से जुड़ने के कारण अब लोग आसानी से गांधी मैदान से आर ब्लॉक पहुंच जाएंगे। जेपी सेतु से जुड़े होने के कारण उत्तर बिहार के लोग भी आसानी से गांधी मैदान और आर ब्लॉक पहुंचेंगे। इसके साथ ही पीएमसीएच से एम्स जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो मरीन ड्राइव का लुत्फ लोग उठा पाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।